दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड IPO के बारे में। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और एक आम हिंदुस्तानी नागरिक और एक आम ग्राहक जैक। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल रंग के बटन को भी दबा दीजिए और इस घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे IPO के बारे में, यानी IPO क्या है और आप कैसे काम करता है और क्या इसको कब खरीदना चाहिए और कब कैसे लेना चाहिए। इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं IPO की। तो IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि वो ऑफर जो कंपनी को पैसा जुटाने के लिए यानी अपने फंड को बढ़ाने के लिए, अपना मार्केट एक्सपेंस करने के लिए यानी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसा मिलता कहाँ से है? वो पैसा अगर उनको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है या कोई इन्वेस्टर उनको पैसा नहीं लगा रहा है तो वो डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठाते हैं। यानी डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठाने के लिए उनको IPO निकालना पड़ता है, यानी कि जो पब्लिक के बीच में आना पड़ता है और IPO निकालना पड़ता है। अब क्या होता है कि पब्लिक जो होती है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ों पे भरोसा नहीं करती है, तो उसको कुछ ना कुछ नज़र आना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। यानी कि अगर आप कोई सामान खरीदना है तो आपको नज़र आना चाहिए। तो इसलिए कंपनी पहले तो अपने बूस्ट स्ट्रैपिंग लेवल पे स्टार्ट करती है अपना बिजनेस। बूस्ट स्ट्रैपिंग लेवल मतलब अपने फंड से जुटाती है या इन्वेस्टर का पैसा लेती है। इन्वेस्टर के पैसे लेने के बाद उसके बाद अगर वो कंपनी धीरे धीरे थोड़ा ग्रो करती है फिर उसके बाद उसको ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा फंड की यानी कि कम से कम करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ या अल्टीमेटली अगर छोटी कंपनी है तो 100 करोड़, 500 करोड़ की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट में पैसा IPO निकालती है। तो जब वो अपना जो IPO निकालेगी तो लोगों को नज़र आएगा तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं। अब बात करें कि IPO कंपनी किस तरह से पैसा उठा सकती है मार्केट में। कंपनी देखिए दो तरह से पैसा उठा सकती है, एक तो होता है IPO, दूसरा होता है FPO। FPO मतलब ऑलरेडी जो मार्केट में शेयर चल रहे होते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी कि आप कंपनी कहती है कि जो पब्लिक ऑफ यानी कि ऑलरेडी मार्केट में वो चल रहा है IPO, तो उसको हम नया IPO नहीं लाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इसमें कुछ डिस्काउंट आपको दे दें और नया और मैं कुछ और ऑफर मैं लेकर के आऊं और नए मुझे थोड़े पैसे की और ज़रूरत है, तो उसको वो उस तरह से पैसा उठाते हैं। तो उसको FPO बोलते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो मार्केट में शेयर हैं उन्हीं शेयर्स में वो कुछ और शेयर डालते हैं और उसी में से है, नए शेयर नहीं लाते हैं, नए IPO नहीं लाते हैं, लेकिन उसी को जो है इंक्रीज करते हैं और बोलते हैं कि हम उसको डिस्काउंट रेट पे देते हैं थोड़ा। और तीसरा एक तरीका है, एक तरीके से कंपनी पैसा उठाती है, उसको बोलते हैं राइट इशू बोलते हैं। यानी राइट का मतलब जो है आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी आपने ऑलरेडी उस किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो कंपनी बोलती है कि आप मैं फिर एक कुछ नया आप ही हमें पैसा दे दो, यानी कि हम उसके बदले में आपको कुछ डिस्काउंट बढ़ा करके कुछ शेयर और देते हैं। यानी कि ये FPO और राइट इशू में थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि वो सभी के लिए हो जाता है, लेकिन राइट इशू ऑलरेडी जिसने उस जो शेयर होल्डर है सिर्फ उनके लिए होता है, लेकिन प्रोसेस वही होता है कि उनको थोड़े से और शेयर दे दिए जाते हैं और उनका जो है प्राइस जो है डिस्काउंट रेट पे लगा दिया जाता है। अब जो है IPO देखिए काम कैसे करता है। IPO काम करने के लिए एक SEBI बोर्ड बना है। SEBI जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यानी कि जो भी कंपनी ऑफर निकालती है तो उसको SEBI से परमिशन लेनी पड़ती है। SEBI से परमिशन लेने का मतलब ये हो जाता है कि SEBI कंपनी के सारे नॉर्म्स एंड टर्म्स के हिसाब से फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी अगर हम उसकी बात करें कि यानी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगी और ये सारी चीज़ें तो SEBI नहीं देखता है, लेकिन कंपनी के जो उसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो SEBI नज़र रखता है। अगर SEBI अब उस चीज़ को अप्रूव कर देता है कि हाँ ये आप IPO में लाने के ठीक है, अब लाने की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है, आप ये मत मानिएगा कि कंपनी बहुत अच्छी है और उसके शेयर आप ले लेंगे और वो कंपनी जो है अब 10 रुपये का शेयर लेते हैं तो वो 2,000 का शेयर हो जाएगा या 500 रुपये का शेयर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि कंपनी किसी की कैपिटल ग्रोथ पे नज़र नहीं रखती, वो उसके नॉर्म्स एंड टर्म्स पे नज़र रखती है कंपनी। अब बात करें कि IPO को की वैल्यू कौन डिसाइड करता है। IPO की वैल्यू जो डिसाइड करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं, यानी IPO मैनेजर होते हैं जो, और मतलब जिनको काफ़ी एक्सपर्ट होता है, नॉलेज होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कंपनी के कि IPO
में आईपीओ का प्राइस क्या होना चाहिए। वो आईपीओ का प्राइस एक तरीके से कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से ही लोग लगाते हैं। तो कभी कभी कंपनी जो है बोलती है कि एक बिड प्राइस भी देती है, एक ऑफर रख देती है कि हाँ मैं दो ये कंपनी ये एक ऑफर निकाल रहा हूँ, इसका प्राइस जो है 150 से 200 के बीच में है। यानी कि हमारी मैं जान मानता हूँ कि इस शेयर का प्राइस जो है 200 से नीचे नहीं, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता या 150 से नीचे नहीं हो सकता। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को किस भाव पे ये पैसा चाहिए। तो जिसके जितने ज़्यादा जो है जिस भाव पे जितने ज़्यादा जो है एप्लीकेशन आती हैं तो कंपनी उस डिसाइड को उस रेट को ही फाइनलाइज कर देता है। तो एक बात ये हो गई। अब तीसरी बात हम बात करें कि अब आईपीओ अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए तो ये पहले तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ करता था, 15-20 दिन लग जाते थे, कभी कभी लोगों का पैसा भी उसमें फंस जाता था, तो क्या होता था ब्लॉक हो जाता। अब सारा सिस्टम एक्चुअली ऑनलाइन हो गया है। यानी ऑनलाइन की बात करें तो यानी कि आप जो है पैसा पहले क्या होता था कि कंपनियां आप कूपन मिलता था, आप अप्लाई करते थे तो बीच में आपका पैसा जो है अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते थे तो उस आपका पैसा जो है फंस जाता था, यानी कभी कभी पैसा वापस भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब उस केस में नहीं, अब आपका पैसा जो है ब्लॉक में आ जाता है, यानी ब्लॉक चेन में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शेयर आपने अप्लाई किया है तो आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर के एक बीच का एक कड़ी है जिसको ब्लॉक चेन बोलते हैं, वहाँ जा करके पुट हो जाता है, वहाँ रख दिया जाता है। तो वहाँ जब तक और जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको पास शेयर नहीं मिले तो वो आपका पैसा जो है वो इन्फॉर्मेशन बैंक के पास शेयर हो जाती है और वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। और अगर आपके पास शेयर मिल जाते हैं तो वो पैसा आपके वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये